वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट एक स्मॉल छोटी सी प्यारी सी पार्टी के लिए ढेर सारे खाने बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो कल जब सना स्कूल से आई तो मैंने और सना ने मिलकर किस तरह से डिशेस डिसाइड की वो आप देखें। हाँ नहीं, फहीता के लिए मेरे ख्याल में अब तक सही आइडिया है। तो मैं जो सोच रही थी ना वो ब्लू वाला बड़ा लग रहा है ना, ये हमेशा इसी में होता है, फ्रेश फ्रेश गरम गरम और इस तरह सही। तो सूप पीने के लिए कलरफुल बर्तन होंगे। हाँ ये तो पूरा ले लेते हैं, ठीक है। खाने के लिए क्योंकि ये मैक्सिकन थीम है ना तो वो अच्छा रहेगा। तो ये बेसिकली खाने की प्लेट है, ये सूप पीने का। तो ये सही है। हाँ एंचिलाडा नाचो बेलग्रांडे और नाचो बेलग्रांडे, अच्छा पांच है ना, नाचो बेलग्रांडे के लिए वो सही कर देते। अभी से निकाल वही नहीं, वही स्टिकर लगा दे। नहीं मैंने कहा के बारे में आपके लिए, अभी मैं स्टूल लेके नहीं नहीं वैसे भी ट्राई करना था ना कि सब आ गया मेरे। हां हां मैं स्टूल लेके निकाल देती हूं क्योंकि ये पूरा बनना तो गिर ही जाएगा। और सर्विंग प्लेट्स भी अभी निकालनी। और ये कितना इंटरेस्टिंग है ना सना, ये है कि नहीं, ये देख तो ओवन प्रूफ, वरना सब ओवन प्रूफ और माइक्रोवेव प्रूफ दोनों लिखा हुआ है। हाँ डिश वॉशर ओवन एंड माइक्रोवेव सेफ। तो ये मैं जब पागल हो गई थी मैं बर्तनों को देखे हो जाती हूँ ना, तो शफी ने मुझे सारे बुला दिए थे। चले यूज करते हैं। अच्छा ये ना खाने के लिए, ना खाने के लिए ये साइज की प्लेट भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। हाँ तो अभी तो फिलहाल ये और ये ले लेते हैं। अच्छा तो ये देख, मुझे सिर्फ ये देखना था कि ये प्लेट जो है यू रहेगी। अच्छा सेंटर जो है इसमें नाचो बेलग्रांडे। हाँ हाँ अच्छा ये जो हो गया फहीता। हाँ वो भी फहीता, वो वाली डिशेज लानी होगी सर ना। हाँ मैंने। अच्छा राइस भी एक में रखने होंगे, वो जो छोटा आना था उसमें राइस रख सकते हैं। फिर दो यहाँ क्लियर, दो यहाँ क्लियर, या जो भी। हाँ दो है ना। चावल शायद इसमें जरूरत नहीं भी पड़े क्योंकि चावल के लिए रेड करके ले सकते हैं। पीको। हाँ पीको लगाया। सालसा। सालसा अच्छा। और फिर गुआकामोली के लिए तो वैसे आपने अलग बोला है ना, ये गुआकामोली। गुआकामोली ये ब्लैक है जा रहा है इस थीम में, ये गुआकामोली इसमें कर लेते हैं। चलो गुआकामोली थीम में। हाँ तू अब पढ़ चला, आप भूल जाएंगे मैं बता रही हूँ। एंचिलाडा की स्पेलिंग गलत है लेकिन हम पढ़ सकते हैं। नहीं तो हम थोड़े सुनो, हम खा सकते हैं अच्छा, हम बना सकते हैं अच्छा, लेकिन हम जरूरी थोड़ी है इनकी स्पेलिंग सही लिखे, क्योंकि हालोपिनोस भी जैसे शुरू होता है। एक मतलब बहुत पहले की बात है, हमारा स्टोर था उसमें एक बंदा काम करने के लिए आया, तो उसने बता दिया अपना नाम हिसूस, तो मैं भूल गई होंगी। फिर उसका जो कार्ड मिला तो उसमें लिखा था जे ई एस यू एस, तो मैं तो उसको जीसस ही मिला दी थी। पता चला कि वो हिसूस है, जे साइलेंट है। अब हम थोड़ी कोई एक्सपर्ट है इसमें ना, दो तो ज्यादा वैसे भी होता है। हाँ साथ साथ पीको के गया। बड़ो डिब्बा निकाल के रखना होगा। हाँ, मुझे हो गया। खाएंगे कहाँ, बहुत कम जगह बच रही टेबल पे, प्लेट से इतनी बड़ी बड़ी है, मैंने बोल देते नहीं नहीं कर देंगे सेटिंग कर देंगे या वहाँ यूं यूं कर देंगे। तो चलो गुड, अच्छा लग रहा है ना। चलो वेरी गुड। तो ये थीम हमने इसलिए पिक की के बेसिकली जो नंद आ रही है ना बाहर से, उन्होंने फरमाइश की, उनसे मैंने पूछा था कि भाई उन्हें मैक्सिकन फूड खाना है, तो ये इस तरह का हमने थीम डिसाइड किया। और सना भी बड़ी एक्साइटेड थी कि उसको भी बड़ा मज़ा आ रहा था ये सब कुछ करके, क्योंकि थोड़ा हटके था। तो अब जो भी मोस्ट पॉपुलर चीज़ है ना मैक्सिकन फूड की वो हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पोसोले से, जो कि एक सूप है, मौसम के हिसाब से बेस्ट है ये। बेसिकली बनाया जा सकता है मीट से भी, चिकन से भी, मैं जो हूँ चिकन से ही बना रही हूँ। अच्छा मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब पार्टी करते हैं ना तो सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए कि हमें बिल्कुल फ्रेश दिखना चाहिए, मतलब पकाते हुए फ्रिज क्लीन और एम्प्टी होने के साथ साथ हम जिस वक्त पका रहे हो ना, जब ज़्यादा थोड़ा सा नहीं जब ज़्यादा, तो सिस्टमेटिक अगर पकाना है और अच्छा पकाना है तो सबसे पहले शावर लेके प्रिटी लगे, साफ़ सुथरे कंफर्टेबल से कपड़े पहने। इससे क्या होगा, सारी चीज़ें बड़ी ऑर्गेनाइज होगी और सब चीज़ें सही होगी, गलती के चांसेस बहुत कम होंगे, ये मेरा तजर्बा है हमेशा से। अभी तक मैंने जो है पोसोले बनाया नहीं है चैनल पे, आप देखें अगर आपको सूप ये अच्छा लगता है तो मैं डेफिनेटली ये वाली रेसिपी दूंगी। और बाकी जो भी मैं पकाऊंगी, अगर
चैनल पे पक चुका है, तो मैं रेफरेंस के लिए आपको ज़रूर लिंक दूंगी। तो ये मैंने एक स्पेशल तरह का सॉस बनाया हुआ है जो कि बड़ा ही मज़ेदार सा है, इसको डाल देंगे इसमें। ये जैसे हमारे यहाँ कैसे गेट टुगेदर होते हैं तो चाट अच्छी लगती है, ये भी इसी तरह का चटपटा सा है, और उसको सर्व करेंगे ना जिस तरह से आप लोग बड़े खुश हो जाएंगे। और ये जो है ना मकई है, कॉर्न ही है, लेकिन ये प्रोसेस किया हुआ है, ड्राई कॉर्न्स होते हैं ना उसको प्रोसेस करके बनाया जाता है, तो ये बड़े मज़े की चीज़ होती है। बॉयल टाइप का है और पका हुआ है लेकिन फूला फूला सा है, तो ये डाल देंगे, ये मेन चीज़ है इसकी। अब ये सबसे इजी और पहला काम जो है वो मैंने कर लिया, काम जो था ना वो सॉस पे थोड़ा था वो मैंने कर लिया था पहले से ही। तो जैसे नहीं दावतें होती तो अगली पिछले थोड़ी बहुत चीज़ें बना ही लेते हैं, तो बेसिकली ये बहुत टेंडर होगी इसकी क्या कहते हैं बोटी। तो ये देखिए मैंने एडवांस में चिकन को बॉयल करके श्रेड कर दिया है, तो ये मैं बना रही हूँ एंचिलाडास। और अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने एंचिलाडास बनाए हैं दो तीन तरह के, जिसमें से स्क्रैच से सॉस भी बनाया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक यहाँ देती हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। तो अब इसमें ये सॉस जो है जाएगा, और यहाँ जो चीज़ रखी है वो भी डाल देंगे साथ, जल्दी और इजी करना है तो सब मिक्स कर लें। खुशबू इतनी शानदार सी आ रही है, चले हम इसको यहाँ रख देते हैं। और यहाँ हमारे पास है बरीटो साइज की टॉर्टियास, ये भी मैंने बनाई है, तो ये एक लेते हैं। और जिस डिश में बेक करना है ना उसमें मैं थोड़ा सा सॉस डाल देती हूँ, थोड़ा स्प्रेड कर लेंगे और अब इसको रोल कर करके डालने लगेंगे। बस जब दावत हो ना तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फ्रिज जो है एम्प्टी हो, और आगे पीछे थोड़ी बहुत आप ऐसी तैयारी कर लें कि लास्ट मिनट पे आपको विदाउट एनी मैस आपको झटपट करने में हेल्प मिले, क्योंकि आधी चीज़ें तो वो बोर कर देती है कि भाई मैस इतना हो गया है। ये पार्टी बेसिकली क्या वीकडेज में हो रही है, क्योंकि वो जो आ रही है ना उनके पास सिर्फ 3 ही दिन थे, तो उसमें आने के और जाने के सब मिला के वीकडेज ही पड़ रहा था। हमने कहा कोई बात नहीं, तो अब सना जो है वो कोशिश करेगी जल्दी आ जाए ना, क्योंकि छुट्टी का तो उसने ट्राई मारा लेकिन इतनी जल्दी तो नहीं हो सकती। अब इसे करीब ले लेते हैं और इस पर ये वाला सॉस डालेंगे। तो अब इसके ऊपर हम डाल देंगे चीज़, सब कुक है ना इसमें, तो कोई भी चीज़ सॉस भी कुक है और चिकन भी कुक है, टॉर्टियास भी कुक है, तो इसे हम सिरान रैप करके फ्रिज में रख देंगे। नेक्स्ट चीज़ हम बना रहे हैं मेन चिकन फहीता, और चिकन फहीता तो मैंने इतनी तरह का बनाया है, लेकिन जो ट्रेडिशनल ऑलमोस्ट वे जो है ना वो जो मैंने बनाया है उसका मैं लिंक यहाँ देती हूँ कि उसको ख़ास मैरिनेट किस तरह किया जाता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ मैरिनेट करके रखा हुआ है एग्जैक्टली सेम उसी रेसिपी से। एक तो वे ये है कि जो मैं अगले दिन कर रही हूँ कि इसे हमें कुक कर लेना है लेकिन एकदम रेडी टू गो नहीं करेंगे, मतलब बनाना वैसे ही है लेकिन ड्राई एकदम नहीं कर देना है ना। मैक्सिकन फूड की सबसे मोस्ट पॉपुलर चीज़ जो है वो है टमालीज, वो मैंने कभी नहीं बनाई है आप लोगों के साथ। वो बेसिकली क्या होता है कि कॉर्न हस्क होता है ना, भुट्टे के जो छिलके जो होते हैं ना जो हम निकाल के फेंक देते हैं, उसको वॉश करके ड्राई करके और बैग में मिलते हैं पैकेट जैसे, नहीं ड्राई चिली मिलती है हमारी पेपर्स कैसी सूखी भी होती है ऐसे, फिर उसको भिगो कर और उसके अंदर एक दो डाल के, फिर उसके अंदर बहुत चटपटी सी चिकन या गोश्त या जो भी आमेजा डाल के और उसके साथ बनाई जाती है, और इतनी बनाई जाती है कि हंड्रेड्स एंड मोर, वो पार्टी के लिए, शादियों के लिए, पिकनिक के लिए, मतलब स्ट्रीट फूड भी है, जैसे बिरयानी कैसी है स्ट्रीट फूड भी है और दावतों के लिए भी सुपर है ना, हर दावत की जान है, इस तरह से वो है। अगर आप लोग को इंटरेस्ट है तो मुझे बताइएगा, मैं वो ज़रूर बनाऊँगी। तो नेक्स्ट डिश जो है वो हम बनाएंगे राइस।
उसके अंदर अब डाल देते हैं 2 टेबलस्पून के आसपास तेल। और यहाँ मेरे पास चावल है जो कि अक्सर मैं वॉश करके ड्राई कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसी डिश में रोस्ट करने होते हैं। अब तेल गर्म होता जाएगा और इसे हम रोस्ट करेंगे। पहीता को हिला लेते हैं। पेस्ट जो होता है ना वो टमाटो का होता है, तो थोड़े से टमाटर काट लेते हैं इसमें। और एक और टिप है, जब दावत का खाना बना रहे हो ना तो डिशेस जो है वो साथ ही धोते जाएं। तो इसको थोड़ा सा पानी डाल के प्यूरी बना लेंगे। और इसमें मैं डाल दूंगी वो नोर, ये चिकन मैगी की चिकन क्यूब होती है ना, उसका ये पेस्ट डाल दूंगी मैं। तो अब इसके अंदर डाल देते हैं अपना वो लिक्विड टमाटो लिक्विड। थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डाल देंगे, अगर आप चाहें तो वो टमाटो पीसे थे ना उसके साथ एक आध जवार डाल दें लहसुन का। और नमक नहीं डाल रही हूँ इसलिए कि वो जो चिकन बेस डाला था ना वो खुद सॉल्टी ही होता है। तो चले अब आ जाते हैं हम अपनी 5वीं रेसिपी पे। ये बड़ा सिंपल सा है और मज़ेदार सा है। तो इसको मैंने कैरेट्स को, गाजर को, आलू को और चिकन को मैंने उबाल लिया था लहसुन और नमक डाल के ना। तो अब इसको मज़ेदार सा बनाएंगे। तो पहले तो मेयो डाल देंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सावर क्रीम डालेंगे, हल्का सा स्वीटनेस के लिए केचप डालेंगे, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डालेंगे एक केक के लिए, और अब इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल, और सिरका डालेंगे। और इसको मिक्स कर देंगे। चले चख लेते हैं नमक की ज़रूरत है कि नहीं है। और ये क्या है, अगले दिन बना लें, 2 दिन पहले बना लें, फ्रिज में रखा रहेगा और फ्लेवरफुल हो जाएगा, सारी चीज़ें जो है इस पर चढ़ जाएगी। तो ये तो बेस्ट है 1-2 रोज़ पहले बनाने के लिए। बस कोशिश करें कि चीज़ें जो है पहले भी फ्रिज में ही रखी हुई हों और पकने के बाद भी फौरन डाल दें। अगर कोई चीज़ गर्म है और फ्रिज के लिए नुकसानदेह है तो अलग बात है, तो मिनिमम टाइम उसे दे दें। लेकिन फ्रेश और अच्छा खाना खिलाना है और जल्दी, जैसे ब्रंच के लिए ही बुलाया है तब अगले दिन तैयारी करनी है, तो हर चीज़ इस तरह से होनी चाहिए कि सब ताज़ा रहे। फहीता जो है वो ऑलमोस्ट पक रहा है, 15 मिनट तो हो गए। तो ये जो जूसेस है ना उसको हमें ख़त्म नहीं करना है, इसी जूस में इसे रहने देना है। चूल्हे को बंद करते हैं और इसको भी निकाल लेते हैं। चलिए खोलते हैं। ये देखना ये है कि चिकन जो है वो अच्छे से गल गई है। तो ये देखें गरम होने के वक्त और भी ये हो जाएगी, तो ये बेसिकली श्रेड हो जाएगी तब भी बहुत अच्छी लगेगी, पीसीज होंगे तो भी, और अगर इस तरह भी कि खा रहे उससे पहले ही टूट गई है तो वो भी मज़े की लगेगी। तो ये जो है देखने में ऐसा लग रहा है लेकिन जब निकालेंगे और खाएंगे तो उसका प्रेजेंटेशन बहुत ही अलग होगा, तो वो भी देखने से ताल्लुक़ है और लेडीज़ कितने मज़े ले लेके खाती है। देखिए चावल भी अच्छे से हो गए। तो इसको अभी चूल्हा बंद करते हैं और जो सोचा था उस डिश में निकाल लेते हैं। सब थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया है तो इसे फ्रिज में रख देते हैं। इसको
इसको फॉइल कर देते हैं। इसको कवर कर देते हैं लिड से और चले सब फ्रिज में रखते हैं। तो देखा, पक भी गया, फ्रिज में भी चला गया और अब माइंड ब्लोइंग गार्निशिंग है, मतलब इसमें अनलिमिटेड मज़ा उसी का है। तो मैंने सोचा इस मरतबा मशीन में काटेंगे। तो ये देखिए कितना सिस्टमेटिक हो गया, इस पर लिखा हुआ है लेटस, रेडिशेस, लेमन, ग्वाक, तो ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिक हो गई। तो अब अनियन जो है वो मुझे थ्रू आउट तीन चीज़ों पे पड़ेगी, लेकिन प्लेन अनियन भी चाहिए, तो मैं पहले प्लेन अनियन कर रही हूँ। तो बड़े बड़े चंक्स कर लेंगे। अब जैसे ऑमलेट कट टाइप की करनी है, ज़ाहिर है इतनी प्रिसाइज तो नहीं, वरना तो वो वाला मशीन लेते ठार मारने वाला, तो ये प्रिसाइज नहीं होगी, लेकिन ये जैसा से कॉन्डिमेंट्स हमें चाहिए उस हिसाब से ये बहुत अच्छी होगी। तो दिस इज़ गुड। तो अब ये क्या, हमें सारी नहीं चाहिए इसलिए मशीन नहीं निकाल रहे हैं। ये देखिए प्रिटी गुड हाँ। तो ये हो गया। अब इसी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पीको द गायो। पीको द गायो बेसिकली हमारा जो है ना वो कचूबर जो होती है ना, टमाटोज और अनियन, थोड़ा सा हरी मिर्च, हरा धनिया, नींबू सब डालते हैं ना, तो ये सब छोटे पीसेस में होता है और मज़ेदार ज़्यादा इसलिए लगता है क्योंकि ज़ाहिर है छोटे पीसेस में है तो सारा अच्छे से एक दूसरे में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो अब ये टमाटोज मैं इसमें डालती जाऊँगी ताकि क्या एक तीर से दो निशाने, पहले वो हो गई प्याज और अब ये इसके साथ ये होगा। अब थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल देंगे। अच्छा, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो लेमन। ये चूंकि मैं कल के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं एक्स्ट्रा लेमन नहीं डाल रही हूँ, अदरवाइज बहुत जूसी जूसी हो जाएगा, ज़रूरत पड़ी तो कल थोड़ा सा डाल देंगे, ये रीज़नेबल है। तो ये पीको द गायो का है बोल। ये हो गया और अब इसी में कंटिन्यूटी से गोकोमाले बनाएंगे। तो गोकोमाले वो एवोकाडोस होता है ना, उससे बनाते हैं। तो बस फिर ये घुमाएं और ये निकल जाएगा। और फिर ये निकालने के लिए छुरी का और इसका ताल्लुक यूँ है कि यूँ करें और इसको घुमा के निकाल दें, अदरवाइज हर्ट हो सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे कुछ फ्रेश गार्लिक। गोकोमाले दो तीन तरह के होते हैं, बल्कि चार तरह के भी होते हैं, थोड़ा सा मतलब बिल्कुल सॉसी टाइप का भी होता है, कुछ चंकी होता है, कुछ मिक्स होता है और हर तरह से बहुत अच्छा लगता है। अब हम बनाएंगे सालसा। तो टमाटोज डाल दिए और अब लाइम लेमन कुछ भी डाल देंगे। एक लहसुन डाल देंगे, थोड़ा सा नमक, ये हो गया। तो अब कुछ चीज़ें जो है ये तो हो गई, तो जिसमें सबसे पहले तो ये मूली है वो जो हमारा सूप है ना,
तो सरप्राइजिंगली इसमें ये मूली भी जाती है। एक चीज़ ये भी इजी रहती है लाइफ में कि जैसे मुझे पता था ना कि मुझे इतनी सारी चीज़ें यूज़ करनी है, तो मैंने सारी वॉश क्लीन ड्राई करके एक ही बर्तन में सारी रख दी ताकि सोचना नहीं पड़े कि इसको अरे ये लेना था, वो लेना था, ये निकालना था, वो निकालना था। तो इसलिए एक बोल में मैंने सब इस तरह से रख दिया था। अब लेमन्स डाल देंगे और लाइम्स, ये हो गया। अब ये है लेटस, ये हमारी पहीता में जाएगी और जो बंद गोभी जो है वो सूप में जाएगी। अब इसको भी कल के लिए यूज करना है ना, तो बहुत ज्यादा बारीक नहीं काटेंगे। और ये हरा धनिया और इसके साथ ही ये प्याज जाएगी, तो इसको अभी मैं यहाँ रख देती हूँ। मिक्स करूँगी तो प्याजों का पानी छूटेगा और कल साइड बाय साइड रख देंगे। तो बस सरान रैप करेंगे और मज़े की बात ये कि रेडी टू गो, कोई बर्तन वर्तन नहीं चेंज करेंगे। तो देखा हमने कैसे झटपट 6 डिशेस बनाई, लवाजमात रेडी किए। और अब कल मैं आपके सामने एक डिश और रेडी करूंगी और मेहमानों का आमद होगी, उनका रिएक्शन देखेंगे किस तरह से हम सर्व करते हैं, किस तरह से खाते हैं, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखना मिलेगा। अच्छा चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक वीडियो के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज।